लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी के युवा नेता निशांत भगत की ओर से आज नई मुंबई के सानपाड़ा निवासी इंपीरियम में सोनखार पाम बीच कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई। यहाँ प्रभाग के 300 से अधिक नागरिकों ने कोरोना का पहला टीका लगवाया। बीजेपी नेता दशरथ भगत के मार्गदर्शन में आयोजित इस कोविड वैक्सीनेशन कैंप को लेकर आयोजक निशांत भगत ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, इसलिए मेरा प्रभाग मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत हम कोरोना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून से तीसरा कैंप लगने वाला है जहां 500 लोगों के टीकाकरण की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। मेरा प्रभाग मेरी जिम्मेदारी के तहत आज बीजेपी नेता दशरथ भगत के मार्गदर्शन में युवा नेता निशांत भगत ने सानपाड़ा के निवासी इंपीरियम में कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया। निशांत भगत ने बताया कि सोनखार सानपाड़ा पाम बीच कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत महानगर पालिका की मंजूरी से आयोजित इस कैंप में रिलायंस हॉस्पिटल की मदद से 300 नागरिकों को कोरोना की पहली वैक्सीन दी गई। यहाँ सेक्टर 1, 13, 14, 15, 16, सेक्टर 17, 18 और सेक्टर 19 के नागरिकों ने टीका लगवाया। निशांत भगत ने कहा कि हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक नागरिकों को वैक्सीन दिलाकर कोरोना से सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि 17 और 18 जून को भी यहां कैंप लगने वाला है जहां 500 लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी है। अपना प्रभाग अपना परिवार अपना सुरक्षित प्रभाग, ये माध्यम से सानपाड़ा सोनखार पाम बीच में जो सानपाड़ा सेक्टर 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा रहा है कि मोराज में 1400 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। आज यहाँ पे निवस्ती इंपीरियम में 300 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। साथ ही साथ 17-18 तारीख को हम 500 डोसेस का यहाँ पे ही हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हर हिस्से में जैसे मैंने बोला 1400, 300, 500 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करवाना और उनको सुरक्षित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम लोग भगत साहब के दशरथ भगत साहब के माध्यम से और नाइक साहब के आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ पे टप्पे टप्पे में हम लोग वैक्सीनेशन कैंप कर रहे हैं। मेरे को पूरा भरोसा है कि जितना वैक्सीनेशन होगा उतना लोग मेरे प्रभाग के लोग सुरक्षित होंगे। वही मन में एक मंशा रखे लोगों को वैक्सीनेशन दिलाने का काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। 2200 लोगों का वैक्सीनेशन हमारे तरफ से लोगों को मिलने के बाद बचे कुचे जो लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द फ्री में वैक्सीनेशन कैसे मिलेगा, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक एवं एक्स मेयर सागर नाइक ने भी भेंट दिया और वैक्सीनेशन कैंप के आयोजन के लिए दशरथ भगत और निशांत भगत की सराहना की। बीजेपी नेताओं ने यहाँ वैक्सीनेशन करा चुके नागरिकों को सर्टिफिकेट और पुष्प देकर हौसला बढ़ाया। कोरोना टीकाकरण कैंप को लेकर कई नागरिकों ने भी आयोजक निशांत भगत के प्रयासों की प्रशंसा की, जिनकी मदद से नागरिकों को सुलभ तरीके से कोरोना टीकाकरण कराने का लाभ मिल रहा है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज ये जो वैक्सीनेशन कैंप निवस्ती इंपीरियम में रखा गया निशांत भगत जी और दशरथ जी भगत जी के द्वारा, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसके पहले भी इन्होंने कैंप मोराज में किया जिसमें 1400 लोगों का हमारे वैक्सीनेशन हो गया। आज इस कैंप में करीब करीब 300 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।